हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांत और आप देख रहे हैं स्मॉल टेक चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्स करने वाला हूँ बोया M1 माइक। मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगा आपको ये माइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हर जगह आपको ये सुनने को मिलता है बोया M1 एक बेस्ट माइक है यूट्यूबर्स के लिए। तो चलिए, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे क्या ये बेस्ट है, ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इसको मैं इस लॉकडाउन के दौरान परचेस किया है क्योंकि मेरा जो माइक है अभी ये माइक सही से काम नहीं करता, आवाज़ सही नहीं आता, इसके लिए मैं इस माइक को परचेस किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में जो बॉक्स है, हम इस बॉक्स को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले एक इनवॉइस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पूरा ऑर्डर का डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा ऑर्डर का डिटेल्स यहाँ पर लिखा है। तो चलिए हम इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मेन बॉक्स बोया M1 माइक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक का डिजाइन कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर इसका डिजाइन को हाईलाइट किया गया है, साइड में कुछ लिखा है बोया M1। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कुछ हाईलाइट फीचर्स को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीचर्स, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सारे के सारे फीचर्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस को मेंशन किया गया है 1995 रुपये, लेकिन मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा इसका एक्चुअल प्राइस क्या है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें एक बैग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैग के अंदर आपको माइक देखने को मिल जाएगा और एक पेपर देखने को मिल जाएगा, वारंटी पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक क्विक स्टार्टर गाइड दिया गया है, आप इसको अच्छा से पढ़ सकते हैं। माइक के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पर बताया गया है, आप इसको कैसे सेटिंग करेंगे सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम इसको भी साइड में रख लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर मेन माइक की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको माइक देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बोया M1 का माइक। इस माइक के साथ आपको जो केबल मिल जाएगा ये आपको तकरीबन 20 फीट तक मिल जाएगा। आप इसको 20 फीट तक दूरी तक इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइक का जो केबल का क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ ही साथ आपको यहाँ पर 3.5 mm जैक देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम माइक को कुछ देर के लिए यहाँ पर साइड में रख लेते हैं और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर हमें और एक पैकेट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इस पैकेट को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। पैकेट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक क्लिप देखने को मिल जाएगा आपको अटैच करने के लिए। तो चलिए हम इसको साइड में रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको और एक जैक देखने को मिल जाएगा, आप इसको अपना DSLR में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैक कुछ इस तरह से देखने को मिलता है और एक यहाँ पर बैटरी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको भी साइड में रख लेते हैं। और सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कवर दिया गया है आपको माइक को कवर करने के लिए। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं हमारा माइक की तरफ। माइक में आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको बोया का लोगो देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कैमरा और स्मार्टफोन। अगर आप इसको ऊपर की तरफ करते हैं तो आप इसको कैमरा में यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसको नीचे की तरफ रखते हैं तो आप इसको अपना स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको कैमरा में यूज़ करना चाहते हैं इस माइक को, तो इसके लिए आपको यहाँ पर बैटरी को इंसर्ट करना होगा। बैटरी को इंसर्ट करने के लिए आप इसको इस तरीके से घुमाएंगे। घुमाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप बैटरी को डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी डालने के लिए यहाँ पर एक खाली जगह छोड़ दिया गया है, आप इसको यहाँ पर बैटरी डाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको यहाँ पर बंद कर लेते हैं। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरे पास एक दूसरा कंपनी का माइक है, मैं उस माइक से वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो चलिए इस माइक को मैं अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इस माइक का साउंड क्वालिटी कैसा है। तो चलिए मैं इस माइक को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी आप जो ये आवाज़ सुन रहे हैं ये बोया M1 माइक से शूट कर रहा हूँ मैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो चलिए, मेरे पास जो दूसरा माइक है मैं उस माइक को एक बार लगा के दिखा देता हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा साउंड क्वालिटी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, अभी जो आप मेरा आवाज़ सुन रहे हैं ये मेरे पास जो दूसरा पुराना जो माइक है मैं उस माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप कमेंट में ज़रूर बताना कौन सा साउंड क्वालिटी बेस्ट है, बोया M1 का या फिर मेरे पास जो पुराना माइक है उसका। मैं अभी इसको एक दिन हुआ परचेस किया है, मैं इसको एक दो दिन यूज़ करने के बाद आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूंगा इसका क्वालिटी कैसा है सब कुछ मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊंगा। आप लोगों को ये माइक लेना चाहिए या फिर नहीं, मैं आप लोगों को एक दो दिन बाद वीडियो में बताऊंगा। एक दो दिन यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों को ज़रूर से बताऊंगा इसका साउंड क्वालिटी कैसा है सब कुछ पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। उसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखना।
इस माइक को आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से 800 रुपए के अंदर अंदर बिल्कुल आसानी से परचेस कर सकते हैं। इसको परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां से परचेस कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बोया M1 एक बेस्ट माइक है यूट्यूबर्स के लिए। आप जल्दी से जल्दी इसको खरीद लीजिए अगर आपके पास कोई दूसरा माइक है तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। Close till I get up, time is barely on our side.